नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें हम गणित के, चूँकि सभी को पता है इसमें गणित का अहम रोल रहता है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है। तो इसमें मैथ एक महती जो है भूमिका निभाता है। इसमें आप हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए मैं गणित का पेपर लेकर के आया हूँ। हालांकि इसमें 50 प्रश्न है, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको आधे 25 आज और 25 अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं किस प्रकार से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में पेपर आता है, जिन्हें आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप सबसे यहाँ से पहला प्रश्न देखें तो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी एक आयत देखिए आपके सामने दिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको नीचे दी गई है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 240 है। तो कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, यानी लंबाई और चौड़ाई इसमें 1, 2, 3 और 4 आपको दिए गए हैं। तो इसमें ये पता करना है कि इसका एरिया 240 नहीं है। हम लोग सदैव क्या करते हैं, प्रश्नों को थोड़ा सा समझ नहीं पाते, ढंग से नहीं करते। सबसे पहले प्रश्न में जो सबसे सरल चीज़ दी गई होती है उसको हम लोग देखते हैं। डेसिमल को छोड़ दीजिए, आप सी वाला प्रश्न को देखिए। चूँकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो अगर हम 54 × 5 की गुणा करें, 5 × 20, 5 × 25 270 वर्ग मीटर होगा, जबकि इसका एरिया होना चाहिए था 240। इसका मतलब सी वाला आंसर गलत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी नहीं है कि जिसका एरिया 240 वर्ग सेंटीमीटर हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेहद आसान अगला प्रश्न था, भिन्न 15 से ही 1/25 को दशमलव संख्या में बदलना था। तो आप इस भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1/25। तो इसका मतलब इसका आंसर 15 जो भी आए 0.4 आएगा जब आप इसको भाग करेंगे। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना था, जहां 15 पूर्णांक था तो इसमें 15 जो आंसर आता है यानी बी आंसर आएगा। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, भाग देने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल अपने अपने जो है थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय देना है। कोई भी प्रश्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ट्रिक्स नहीं जानते वो 25 को पहले 15 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 25 से भाग करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला जो प्रश्न देखिए 28 आपके सामने दिया गया है कि एक वेबिनार में, यानी कोई मीटिंग है जिसमें 5 मिनट प्रत्येक के 3 अंतराल हैं, यानी 5-5 मिनट की 3 आपके अंतराल दिए जाते हैं वेबिनार में। इन अंतरालों में कुल अवधि सेकंड में ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी बात आप ये देखें, यहाँ पर 5 मिनट के 3 हैं, तो 5 × 3 बराबर यानी 15 मिनट, और एक ये 15 मिनट हो गए। अब चूंकि 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से गुणा कर दीजिए, 15 × 6 = 90, 10 और यानी 900 सेकंड जो है अंतराल की अवधि होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हम चुन लेंगे। अगर हम बात करें 29 की, बेहद आसान प्रश्न है, यदि प्रत्येक बिस्किट का भार 4 ग्राम है तो 2 दर्जन बिस्किट का भार क्या होगा। तो चूँकि एक बिस्किट 4 ग्राम का है, 2 दर्जन की बात कर रहा है, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 में 12 × 2 = 24 हो जाएंगे, 24×96, यानी उन 2 दर्जन बिस्किट्स का जो भार होगा वो आपका हो जाएगा 96 ग्राम। अगर मैं अगला प्रश्न की बात करूं तो बेहद आसान प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा क्लास 5th से हटकर अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इसे आप कर लेंगे। अब आप इन दोनों को देखें, 127 × 15 फिर किसी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं, m × 15 + n × 15। तो इसको अगर मैं हल करना चाहूँ ऊपर वाले को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15m + 15n। अब आप देखिए 15 दोनों से कॉमन कर लो तो m + n, इसका मतलब हमें 15 × कितना लाना है, 127 लाना। तो ऐसी दो संख्याएं चूज करें जिनका योग 127 हो। तो देखिए 30 में यहाँ पर D यानी 100 + n बराबर हो जाएगा 127, तो इसका मतलब ये हो जाएगा
127। इसका मतलब यहाँ पर m का मान 100 और n का मान जो है आपका 27 होगा। अगर मैं प्रश्न 31 की बात करूँ, बेहद आसान प्रश्न है, आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। पूछ रहा है, इसकी ट्रिक है, ट्रिक से आप इसे एक मिनट में कैसे कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चूंकि सबसे पहले बड़ी, फिर उस पहले सबसे बड़ी लिखना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे आपको बना के देना है भिन्न में। तो जब आपका हर बराबर होता है, ये देखिए, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ अगर शुरुआत देखें 14 से होता, 14 के बाद 10 आता, तो इसका मतलब ये वाला तो सही नहीं है। अगर मैं डी की बात करता हूँ, 10 है, 13 है, 13 से शुरू होता, फिर 10 15 सॉरी शुरू होता, 15 होता, 10 होता, 13, तो ये भी आरोही क्रम हो जाता, अवरोही क्रम सॉरी हो जाता। अगर अब मैं बात करूं कि अगर आपका कभी अंश बराबर हो तो भिन्न कौन सी बड़ी होती है? तो जिस जब कभी आप याद रखिएगा, जिसका अंश समान हो, जिसके अंश समान हो और जिसका हर हर जो है सबसे कम होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। बहुत आसान सी बात है, अगर 10 हैं, दो बार आप लिखिए, एक बार इसे 2 से आप भाग करिए, एक बार 5 से भाग करिए, तो यह आएगा एक 10 5 और एक बार आएगा 2। आपने यहाँ से देख लिया कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो अब यहाँ से देखिए, 5 है, 7 है, 13 है, हमें क्या करना था, यहाँ से बड़े से छोटे से बड़े को लेकर के चलना था। तो 13 के बाद 9 आ गए, इसका मतलब ये भी फिट नहीं बैठ रहा। आइए आगे बात करता हूँ। देखिए पहले 6 है, 6 से बड़ा, अब देखिए बड़ा करना है आपको 8, 8 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 18। इसका मतलब हम 6 से जब 7 को भाग करेंगे कुछ आएगा, लेकिन जब 7 को 8 से भाग करेंगे तो और कम आएगा, 7 को 12 से भाग करेंगे और कम आएगा, 7 को 15 से भाग करेंगे और कम आएगा, 7 को 18 से भाग करेंगे तो और कम आएगा। इसका मतलब ये हमारी अवरोही क्रम में स्थित है। बात करता हूँ अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बिंदु रेखा से सममित में नहीं है? सममित का मतलब होता है कि अगर दो ऐसे प्रतिरूप जिन्हें आप आपस में मिलाएं तो वो दोनों आकृतियां जो है समान आकृति में बट जाएं और एक दूसरे पर रखें तो वो ढक लेना चाहिए। एक को अगर हम रखते हैं तो ये ढक लेगी, ये भी ढक लेगा, ये पत्ता भी ढक लेगा, लेकिन एन जो है इसको जब हम दोनों परतें आपस में मिला के लाएंगे तो ये इसको ढक नहीं पाएंगी। इसका मतलब जो एन है ये सममित प्रदर्शित नहीं करता। बात करता हूं 33 नंबर की, संख्या आपका यहां से 563672 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुना कितना है? अब आपके सामने यहां पर दो चीजें देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। पहला जो उसने बताया 10,000 में, तो 10,000 का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैं फिर से लिख देता हूँ सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 पे आपको 6 लेना था। देखिए उसने कहा है 10,000 के स्थान पर 6, यानी 60,000 हो गया। फिर कह रहा सैकड़ा, तो जो सैकड़ा ये वाला 6, तो इसका 600 हो गया, इसका मान लिया हमने 600 कर दिया। कह रहा कितने गुना है, तो इससे कितने गुना, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए इसका मतलब ये 100 गुना है, 100 गुना है। काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न 34वां है, 1,28,400 कलमों को कार्टन में भरा जाना है जिसमें से प्रत्येक में 150 कलम हो, कितने कार्टनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें आपको करना सिर्फ इतना है, 1,28,400 को और 150 से इसको आपको भाग कर देना है। तो जैसे ही हम इसको भाग करेंगे, 5 से 3 कट रहा है, 5 यानी 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, फिर 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15, तिछांक 18, यानी
ये आपका आंसर आ रहा है 856। तो 856 ये देखिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें 36 की, तो 36वें में आपसे पूछा जा रहा आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये दोनों छायांकित आपके भाग हैं, क्योंकि ये एक आयत है जिसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई आपकी 9 है। तो इसका इसका मगर एरिया निकालें तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 25 इंटू 9, तो ये आ जाएगा आपका 225। ठीक है, अगर 225, अब इसमें से पहला एक हमारा आयत है 4 × 7 का, 7 × 4 = 28 वर्ग सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो 6×36 ये हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इनका जोड़ देखिए 8×6 = 64, यानी ये छायांकित भाग 64, अगर इसमें से हम 64 निकाल देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी ये दोनों निकालेंगे तो ये है छायांकित भाग। तो इसमें कितना रहेगा, इसको जब हम घटाएंगे 1 और यहाँ से आपका 6 और 1, 161, यानी 161 छायांकित यहाँ से भाग निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से देखें, हम एक चीज़ को पकड़ेंगे यहाँ से, ये देखिए ये जो तीर है नीचे की ओर, आप देखिए ये वाला तीर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, इस वाले में यहाँ से उठ के देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के फिर नीचे आ गया है, अब ये देखिए नीचे आया, अब ये उठकर कहाँ चला जाएगा, ऐसे। इसका मतलब सबसे अंत में, ये देखिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी एक को पकड़िएगा और आप इसे देखिएगा, 100% यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। अगर हम बात करें 37 की, 37 से पूछ रहा है एक कुर्सी की कीमत 7,642.45 है, तो 7 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। इसका मतलब इसको हम 7 से यहाँ से गुणा कर लेंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 53,497.15, यानी यहाँ से अब गुणा देख लीजिएगा 53,497.15, यानी ऑप्शन बी वाला सही। प्रश्न है रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें, CCCXC+LIX, मतलब ये आपके रोमन नंबर्स हैं। तो ये रोमन नंबर्स में पहले सी जो होता है 100 का घोतक है, और एक्स जो है आपको चाहे मालूम हो कि सी बराबर हमारा 10 होता है, एक्स जो है 10 से लिखते हैं, है ना, इसमें आपको, और डी जो है वो 500 से लिखा जाता है, और अगर मैं बात करूं 50 के लिए तो वो एल लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं, तीन बार है तो ये 300 हो गया, और 300 में से आपका, और ये एक ये देखिए 100 में से 10 निकाल दिए तो हो जाएगा 390, यानी पहला हुआ 390 प्लस, अब उसके बाद 50 और 50 में से 9 और आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो 50 और 9 ये 59। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दें तो इसका जो जोड़ आ जाएगा वो देखिए 9, 9, 5, 14, 449। अब 449 को आप जो है रोमन नंबर में कैसे लिखोगे, तो 449 के लिए हम चार बार किसी संख्या को नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर डी का प्रयोग करेंगे, तो हम पहले लिख लेंगे डी, यानी हो गया हमारा 500 में से अब हम 100 को निकाल देंगे। ठीक है, जब हम 500 में से 100 को निकाल दें, अब हमारे पास ये हो गया 400, अब 49 लिखना, 49 लिखने के लिए सबसे पहले हम 50 लिखेंगे, तो 50 के लिए हमें L लिखना पड़ेगा, L के पहले में 10 लगा घटा देने पड़ेंगे, तब ये होगा 40, 40 के आगे अब हमें 9 बनाने पड़ेंगे, तो 10 10 में से घटा देंगे, तो ये बन जाएगा CDXL1I, या जिसको आप जो भी पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की संख्या CDXLX, ये देखिए B वाली बन जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आप 100% यहाँ से ये प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। अब आपके पास प्रश्न है अगला, किसी एक वर्ष में कुल आपके पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख 76,843,872 विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा में भाग परीक्षा दी, जिसमें से लड़कियों की संख्या 42,37,602 हो, तो लड़कों की संख्या, तो इन दोनों को आप घटा देंगे तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आंसर आपका सी वाला आएगा। अगला प्रश्न अगर मैं देखूं, श्रेया के पास 32 लाल पेन है और 56 नीले पेन है, वह उन्हें इस
तरह भरना चाहती कि प्रत्येक पैक में पेनों की संख्या समान हो और केवल एक ही रंग के पेन हो, तो सबसे बड़े पैक में कितने पेन रखने पड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम 32 और 56 का, अगर जो 32 है और 56 है, 32 और 56 का आप महत्तम समापवर्तक निकाल दें, 32 और 56 का, तो जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो एक ही रंग के आप अधिक से अधिक रंग के पैकेटों, जो रंग हैं और पेनों के, वो पैकेट आप भर सकते हैं। तो हमने इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया था कि आप उन ऐसी संख्याओं को चुने जो इन दोनों संख्याओं को काटे, जहाँ पर कटना बंद हो जाए वहीं पर समझ लीजिए आपका प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर दो से काटना चाहे तो हम यहाँ से दो से काटते हैं तो 16 आ जाएगा, 2 × 4 = 16। फिर अगर हम दो से काटना चाहें तो 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। फिर अगर हम 2 से काटना चाहें 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। अब ये प्रश्न आगे फर्दर कटने वाला नहीं है। 4 और 7 जहाँ पर कटना बंद हो जाए उसके बाद जितनी आपकी कॉमन नंबर आए थे यही होता है LCM। तो 2 × 4 × 8 यानी वो 8 बड़ी से बड़ी पैक बनेगा पेनों का, जिससे आपके लाल और नीले पेन बराबर बराबर भरे जा सकते हैं। क्यों? 8 × 32 = 8, 5 = 40, 8 × 6 = 56। देखिए दोनों ही आपके 8 से कट रहे हैं और 8 से कोई भी बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को बराबर काट सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मैं एक 5 अंकीय सम संख्या, यानी संख्या बता रही मैं 5 अंक की हूँ, तो इसका मतलब इसमें एक इकाई होगी, एक दहाई होगी और एक सैकड़ा होगा, एक हजार होगा और एक 10,000 होगा। इसका मतलब 5 संख्याएं आपकी बन गई। अब कह रहे मेरे दहाई स्थान पर 9 है, तो दहाई उसकी 9 कर दिए, सब में देखिए 9 आ भी रहा है। मेरे 10,000वें स्थान का मान दहाई के स्थान पर आने वाले अंक से 3 कम है, तो दहाई पर चूंकि 9 है तो उसमें से 3 घटा देंगे, तो 9 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब ये 10,000 की जो स्थान है वहाँ पर 6 अंक आएगा। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, अगला है, 3 कम, सैकड़ा स्थान पर आने वाला अंक मेरे 10,000वें भाग का आधा है, तो जो इनका सैकड़ा है तो इस सैकड़े में चूंकि 10,000 6 है तो 6 का आधा हुआ 3, तो इसका मतलब ये 3 हो गया, तो यहाँ पर सैकड़ा वाला 3 हो गया। अब मैं अगला पढ़ता हूँ, ठीक है, जो ये कहता जाए वो आप करते रहिएगा। हजारवें स्थान पर आने वाला अंक इकाई का दूना है, तो हजार अब इन दोनों को यानी चौथा और अंतिम, जहाँ पर ये देखिए 4 का 8 है, 1 का 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पर ये संख्या नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी होगा, ये 4 होगा और ये इसका 8 होगा। तो 68,394 पूरी इस प्रक्रिया को फुलफिल करता, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की, सर्च का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब में सदैव याद रखना है जो चीज़ ऊपर होती है ये नीचे इसके उल्टे बनता है, यानी दर्पण में दाएं का बाएं और जल में ऊपर का नीचे बनता है, तो इस प्रकार से जब आप इसे देखेंगे तो इसमें जो एस है ये आपको उल्टी बनती हुई नज़र आएगी, जो ई है वो आपका ई इसी प्रकार से बन जाएगा लेकिन ए जो है वो पलट जाएगा, ठीक है, और आर भी आपका जो है वो उल्टा बन जाएगा और सी भी ऐसे रहेगा और एच आपका हूबहू रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 42 में ये देखिए बी वाला ऑप्शन आपका समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए, तो बढ़ते हुए क्रम में आप देखिए 6,821 फिर 12 आ गया, तो बढ़ता हुआ क्रम पहला वाला तो है नहीं, 9,000, 7,000 फिर 9,000 ये भी नहीं है, तीसरे में बात करें 10,500, 12,000, 49, 12,509, 12,
15,000, तो इसका मतलब ऑप्शन सी वाला देखिए बिल्कुल सही, जो कि एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, जो कि एक आरोही क्रम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है संख्या आपकी, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, यानी 17,65,498 प्राप्त करने के लिए 3,000,000 में से कितना घटाया जाना चाहिए। तो चूंकि 3,000,000, 1,000,000 में आपका 10,00,000 होता है, 3,000,000 में ये आपके 30,00,000 हो जाएंगे। तो इकाई दहाई हो गया, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 30,00,000 हो गए। अब आप इसमें से ये 17,65,498 यहाँ से घटा दीजिए। जैसे आप घटाएंगे, देखिए 2, 0, 5 के बाद 4, देखिए 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो इसका मतलब 12,34,502, ऐसा ऑप्शन आपका बी वाला देखिए मिल रहा है। तो आप बी से यहाँ से आंसर कर लेंगे। प्रश्न अगले की बात करूँ, एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में समाप्त करता है, यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़ता तो उसे कुल कितने मिनट लगेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, पूछ रहा उसे कुल कितना समय लगेगा। तो चूंकि एक चक्कर का 48 मिनट लगता है, तो इससे आपने 5 चक्कर लगवाओगे तो 5 चक्कर जो है लगाने में उसको देखे तो 4-5, अब ये इतने आपका जो सेकंड का समय लगेगा, तो पूछ रहा उसे कितने मिनट लगे, तो मिनट में 60 से इसको कर दीजिए भाग। तो ये देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, इसका मतलब ये 4 मिनट उसे पूरा लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न 46 की, प्रतिरूप में अगली आकृति का चयन करें। तो अगली आकृति आपने देखा, इस वाली आकृति को आपने इस साइड से बेड़ा कर दिया है, अब इसी आकृति को आपने नीचे ले आए हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी पहले ऐसे थी, अब ऐसे है, तो अभी ऐसे जाएगी। इसका मतलब एक ऐसी आकृति को ढूंढना है जिसमें बिल्कुल ये आकृति मिलती हो। तो ये आकृति आप देखें, आपकी सी वाली जो है बिल्कुल मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको जो चीज़ जो दिया गया था क्वेश्चन था उसको फुलफिल भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं 48 की, तो निकटतम सैकड़ा का पूर्णांक करते हुए संख्या इतने को लिखा जाएगा। तो जब कभी सैकड़ा को पूर्णांक बनाया जाए, तो सैकड़ा यहाँ पर देखिए 5 है, तो उससे पहले दहाई का एब्रीविएशन किया जाता है। तो यहाँ पर सैकड़ा 5 है, और मैंने बताया है कि 5 या 5 से अधिक हो उसकी अगली संख्या तो 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, बाकी दोनों 0, तो ये हो जाएगा 600। तो 600 किस में बन रहा है, ये ऑप्शन आपका बी वाले में बनेगा, बाकी संख्या आपकी वही 73486 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब आप यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज मिलकर के और एक 3/4 वृत्त मिलकर के 420 हो, और 3/4 वृत्त माइनस त्रिभुज बराबर 90 हो, तो 3/4 वृत्त का भाग का मान क्या होगा। इसे आप थोड़ा सा बीजगणित की सहायता से निकालते हैं। देखिए मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, इसे एक्स और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई, यानी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 420। अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर 90। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल दें, वाई बराबर हो जाएगा 90 प्लस एक्स। अब मैं इसकी वैल्यू इस पहले वाले में रख दूँ 2x प्लस, और वाई की जगह पर 90 प्लस एक्स बराबर 420, तो एक्स और ये हो गया 3x बराबर 420 माइनस 90। अब यहाँ से 90 घटाओगे तो यह आ जाएगा 330 बराबर 3x, तो अकेला x बराबर 3 × 3 = 110, यानी 110 x की वैल्यू है। तो y की कितनी होगी, तो y बराबर 90 प्लस 110 यानी 200, यानी y की वैल्यू जो है वो 200 होगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो 200 आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए अगला प्रश्न है, 76,483 को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 76 लाख है, तो आप 76 लाख लिख लेंगे, 4,000 10,000 का 0, 4,000 ठीक है, सैकड़ा आपका 0 हो जाएगा और 83, तो आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 76 लाख 4,000 83 इस प्रकार से आप इसे लिख सकते थे। और आप यहां से देख लें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका डी वाला मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रीजा का भार 42 किलोग्राम है और क्यारा का भार 39.5 किलोग्राम, तो उनका कुल भार क्या है। केवल दोनों को जोड़ना था, यानी इसमें से 42 और 39.5 जैसे दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, दशमलव लगेगा, 9 2 11 81.5 किलोग्राम, और अगर किलोग्राम से ग्राम में बनाना तो 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो 815 और आपके 3 जीरो लग जाएंगे, इसके बाद एक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो आपका ये 81,500 ग्राम हो जाएगा। तो 81,500 ग्राम जो है ऑप्शन सी यहाँ से आपका आ रहा है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर 25 प्रश्न लिए हैं और अगले भाग में हम 25 प्रश्न और लेकर के आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।